हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज दोबारा मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है वाइट चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में है और बनाने में भी आसान है और दूसरी चिकन कढ़ाई की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और चंद एक इंग्रेडिएंट के साथ आप ये वाइट चिकन कढ़ाई इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के आजकल सीजन चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट खाने खाने को दिल करता है घर में। तो चले व्यूवर्स, अब हम चिकन कढ़ाई रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें चिकन, यहाँ पे मैंने एक चिकन लिया है, थोड़ा सा इमली का पानी, एक कप दही, उसको अच्छी तरह फेंट लें, उसके लम्स अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मसालों में चाहिए वाइट पेपर और थोड़ा सा सूखा धनिया कुटा हुआ, टेस्ट सॉल्ट हसबे जायका, थोड़ी सी ब्लैक कलवंजी, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और सफ़ेद कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा एंड अजवाइन, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है एंड ग्रीन चिली चॉप, थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड क्रीम। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना या चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में आप इतना ऑयल, देसी घी या जो भी कुकिंग ऑयल में आप खाना बनाते हैं डाल लें, जिसमें आपने अपना चिकन बनाना है, और सबसे पहले उसमें आपने ये ज़ीरा शामिल करना है, और ज़ीरे के साथ ये मस्टर्ड सीड्स, और सब मसाले अभी नहीं डालने, और मस्टर्ड के सीड्स के साथ ये अजवाइन, ये तीनों चीज़ें मैं अभी इसमें ऑयल में डाल रही हूँ। जब ये सफ़ेद ज़ीरा और मस्टर्ड सीड और अजवाइन जब थोड़े से रोस्टेड हो जाएं, तो आपने इसमें चिकन डाल देना है। साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको इसमें पकने दें। इसमें तकरीबन आपने चिकन पीसेस को अच्छी तरह रोस्ट करना है सॉल्ट डाल के, और इसमें ये जो चॉप गार्लिक किया था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ इसके साथ साथ, और पीसेस और गार्लिक को आपने अच्छी तरह इसमें रोस्ट होने देना है, चिकन के पीसेस और गार्लिक को। चिकन, गार्लिक और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। जब आप देखेंगे चिकन इस तरह का गोल्डन हो गया है, जैसे आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, जब चिकन इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाए, रोस्टेड हो जाए, तो इसमें बाकी मसाले भी हम शामिल कर लेंगे। ये सब्ज़ मिर्च जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स कर लें, और साथ ये जो बाकी इंग्रेडिएंट हमने रखे थे ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह इसमें डाल के आप चिकन को भून लें। बाकी चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय की होगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चिकन कढ़ाई। ये कढ़ाई टोटली टमाटरों, लाल मिर्च और हल्दी के बगैर है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही मुनफरद और डिफरेंट किस्म का होगा, और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। कढ़ाई को आप इस तरह अच्छी तरह भूनते जाएं, देखिए कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर का क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है। इस कढ़ाई को टोटल बनाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट दरकार है। 15 से 20 मिनट में आपकी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी, क्योंकि ना इसमें प्याज शामिल किए हैं, ना टमाटर, और ना बाकी दूसरी रेड मसाले, और अपने पूरे देसी मसाले कोई इसमें शामिल नहीं किया, चंद एक मसालों से ये आप इजीली वाइट कढ़ाई 15 से 20 मिनट में घर में बना के इजीली इंजॉय कर लें। अगर आपका कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि हम क्या पकाएं, तो जल्दी से चिकन डिफ्रॉस्ट करें और वाइट चिकन कढ़ाई बनाएं अपने घर में, और फैमिली के साथ एक नई तरह की डिश एंजॉय करें। ओके, चिकन तकरीबन गल चुका है, अब मैं इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लें। चिकन अच्छी तरह भुन चुका है, अब मैं इसके अंदर ये इमली का पानी डालूंगी, और इसको हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए आप आंच इसकी थोड़ी सी स्लो कर दें। अगर आपने मीडियम आंच पे इसको पकाया है तो उसको आंच को थोड़ी स्लो कर दें, अगर तेज आंच को पकाया है तो इसको मीडियम पे करते हैं। उसके बाद
कि इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। मैंने क्रीम को यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया था, मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के क्रीम के डाले हैं इसमें, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम शामिल की और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके तो आंच को तकरीबन हल्का कर देंगे, इसके नीचे दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए इसके साथ, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड, ये मज़ेदार से झटपट वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। मुझे टोटल इसको पूरा बनाने में 20 मिनट लगे हैं, नॉट मोर देन 20 मिनट, बल्कि 20 मिनट से भी कम ही लगे होंगे। और झटपट तरीके से बड़ी मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। अब मैं उसको गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़ा गर्म मसाला पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन धनिया, इसको मज़ीद खूबसूरत सी लुक देने के लिए। तो जी फ्रेंड, मज़ेदार से किस्म की वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है। प्लीज़ आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक नई और मुनफरिद रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।